नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपने आपके YouTube चैनल नेक्स्ट रिक्रूटमेंट पे। दोस्तों, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए टोटल 637 वैकेंसी जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे जो भी वैकेंसी आया है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली के डेली बेसिस पे कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब का अपडेट आपको मिलता रहेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो वैकेंसी आया है ये वैकेंसी आपका झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आया है। टोटल यहाँ पे दोस्तों 637 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया है। एप्लीकेशन मोड जो है दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 15 अक्टूबर से शुरू होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे एंड डेट, यहाँ पे एंड डेट 11 नवंबर को रखा गया है। यहाँ पे दोस्तों ऑल इंडिया कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप किसी भी स्टेट से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम वैकेंसी के बारे में बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी है। टोटल 637 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आया है। आपका पे स्केल हो जाएगा 9300 से लेकर 84800 ग्रेड पे के हिसाब से। उसके साथ साथ आपको ग्रेड पे मिल जाएगा 5400 रुपये। मैक्सिमम एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 35 साल रखा गया है मैक्सिमम एज लिमिट। उसके साथ साथ अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल में एज में छूट मिल जाएगा, वोमेन कैंडिडेट के लिए 3 साल में, और बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पे दोस्तों आपका 2 साल के एज में छूट मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, दोस्तों यहाँ पे बीटेक इन सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आपने की है तो तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बात करें यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी की, तो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट पे 228 वैकेंसी है सिविल के लिए। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट पे 228 वैकेंसी है। वाटर ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट में 26 वैकेंसी है, ये सभी के सभी आपका सिविल में है। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट पे आपका मैकेनिकल भी है, आपका 84 वैकेंसी है। उसके बाद अगर हम बात करें ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट पे 11 वैकेंसी है आपका मैकेनिकल में। टोटल आपका 637 वैकेंसी है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन आपका बेस्ड ऑन रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के थ्रू होगा। एप्लीकेशन फी आपको जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपये रखा गया है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 150 रुपये रखा गया है। एप्लीकेशन आपको पेमेंट करना पड़ेगा थ्रू द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या तो फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, एसबीआई बॉडी, एसबीआई यूपीआई, या तो फिर आप ई चालान थ्रू एसबीआई कलेक्ट आप कर सकते हैं। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर डायरेक्टली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आपको अप्लाई करने का लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेबस का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। दोस्तों, जो भी यहाँ पे अपडेट आया था मैंने आपको पूरा बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ऐसी पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।